रिव्यू दूंगा। ये एक है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ऐसी चीज़ होती है जो आपके फेस को प्रोटेक्ट करती है सूर्य की छाओं से, और आपके फेस को हेल्दी रखती है और ब्राइटनिंग भी देती है। तो दो टाइप के सनस्क्रीन हैं, एक केमिकल है और एक फिजिकल। जो केमिकल है उनके बारे में रिसर्च हुई है कि उनसे कैंसर के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनमें केमिकल जो होते हैं वो काफ़ी दिन तक जो होते हैं वो जिस्म में रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अभी इस पर पूरी तरह रिसर्च नहीं हुई। और जो दूसरा है वो फिजिकल सनस्क्रीन है, और ये सनस्क्रीन जो होते हैं इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं और वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब ऊपर ऊपर ही रहते हैं, और इस वजह से इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक मिनरल सनस्क्रीन है जिसमें जिंक यूज़ हुआ है। तो ये SPF 50 है और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बेस्ट सनस्क्रीन है। इससे स्किन ब्राइटन भी होगी और पूरा दिन आपकी स्किन अच्छी रहेगी, और ये काफ़ी अच्छा है, आप इसको यूज़ करें। ये पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉप्स हैं जैसे Adore.PK, Draz.PK, उनसे मिल जाता है और काफ़ी अच्छा मिलता है। और तकरीबन 3 3 हज़ार तक इसकी प्राइस है, 3,000 2,500 तक। तो ये आप थोड़ा बहुत लगाएं, तो भी ब्राइटनिंग के लिए लगाना है तो थोड़ा बहुत लगा दिया करें, और अगर प्रोटेक्शन के लिए लगाना है तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया करें, और अगर आप हल्का सा भी लगाएंगे तो आपके फेस पूरा दिन ऑयल कंट्रोल रहेगा, पूरा दिन फेस ब्राइटन रहेगा। जब ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करना है तो आपका ये तकरीबन 1 साल आराम से निकाल जाएगा। और अगर सनस्क्रीन के लिए यूज़ करना है मतलब, तो फिर जितनी क्वांटिटी आप लगाएंगे उस हिसाब से फिर ये निकाल देगा। तो आप देख लें, ये ट्यूब 59 ml है और लेकिन काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें।